आप सबका स्वागत है इन फोक के पेज पर। आज हम बात करने वाले हैं यो यो हनी सिंह, नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ के अपकमिंग सॉन्ग कांटा लगा के बारे में। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के यूट्यूब पेज पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप मेरे पेज को पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि इस सॉन्ग का नाम होने वाला था उई माँ कांटा लगा, बट किसी कारण के वजह से शायद देसी म्यूजिक फैक्ट्री को वो नाम पसंद नहीं आया, तो अब इस सॉन्ग का नाम हो गया है कांटा लगा। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने कर दिया है। हनी पाज जी अपने सभी सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी कि उनका अपकमिंग ट्रैक टोनी कक्कड़ नेहा कक्कड़ के साथ आने वाला है देसी म्यूजिक फैक्ट्री के यूट्यूब पेज पर। गाने के अभी भी कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है, बट कुछ चीज़ें सामने आ चुकी है, जैसा कि इस सॉन्ग में हनी पाज जी अपना म्यूजिक नहीं देने वाले। इस सॉन्ग में म्यूजिक दिया है टोनी कक्कड़ का। इससे हनी पाज जी के चाहने वाले काफ़ी दुखी है, बट मैं आपको बता दूं कि हनी पाज जी इससे पहले भी काफ़ी सॉन्गों में अपना लिरिक्स अपने वोकल्स दे चुके हैं, मगर म्यूजिक नहीं दिया। हनी पाज जी के काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग आए हैं आपके स्क्रीन पर, मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, जहाँ पर हनी पाज जी के लिरिक्स थे, पार्ट थे, हनी पाज जी ने गाया भी था, हनी पाज जी गाने में दिखे भी थे, बट हनी पाज जी का म्यूजिक नहीं था। उसी प्रकार इस सॉन्ग में भी हनी पाजी का म्यूजिक नहीं होगा, टोनी कक्कड़ ने दिया है। टोनी कक्कड़ के म्यूजिक अगर आपको पसंद है तो शायद आपको ये वाला म्यूजिक भी पसंद आ सकता है। बाकी लिरिक्स तीनों लोगों ने लिखे हैं साथ में मिलकर, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और हनी पाजी ने, और इस सॉन्ग को डायरेक्ट किया है मिहिर गुलाटी ने। मिहिर गुलाटी को अगर आप नहीं जानते तो ये हनी पाजी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और हनी पाजी के कम बैक के बाद जितने भी हनी पाजी के सॉन्ग आए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा गाने इन्होंने ही डायरेक्ट किए हैं। तो ये डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं और इनके वीडियो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये 4K में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके वीडियो बनाते हैं, तो मुझे उम्मीद ये है कि ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आप इस सॉन्ग के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी भी इस सॉन्ग की कोई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है, बट देसी म्यूजिक फैक्ट्री अपने सॉन्ग को जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए जाना जाता है, तो हमें उम्मीद है कि एक दो हफ्ते में आपको एक गाना यूट्यूब पर सुनाई या दिखाई देगा। जब भी इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सॉन्ग को लेकर, हमें सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।